सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अभी हम इन दिनों क्या कर रहे हैं, टर्म टू के लिए रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ओके, और सारे सब्जेक्टों में भी आप लोग कर रहे हैं ना, मैडम करा रहे हैं ना आपको सारे सब्जेक्टों में। तो आज हम वापस से, और मैंने भी पहले वीडियो में भी आपको पुनरावृत्ति ही कराया है ना, रिवीजन कराया है। अब हम वापस से अपने कक्षा 3 में विषय हिंदी में पार्ट 8 बंदर पार्ट ये पढ़ा था ना हमने लेसन, उसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे, उसका रिवीजन आज हम करेंगे ना। आपने CW में इसका वर्क कर लिया होगा ना, PDF हमने भेज दिया अभी, इससे पहले फ्राइडे को भेजा है आपने, शायद लिख लिया हुआ है ना। तो आप लोग भी CW को निकालो अपने साथ, और साथ में पेंसिल भी निकाल लो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका। सबसे पहले करेंगे कठिन शब्द है ना, आर्टवर्ड जो होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैंने कठिन शब्द में लेजपोश, डरपोक, तराजू, फूटे, हक, प्रवेश, पंदा, झपटी। ओके, एक बार हम देख लेते हैं, मेजपोश, डरपोक, तराजू, फूटे, हक, प्रवेश, पंदा, झपटी। इसकी शब्दार्थ में देखते हैं, ठहरना, रुकना, ठहरना, रुकना, खोजना, ढूंढना, महक, खुशबू या सुगंध, हक, अधिकार, धनु काटा, तराजू, खोटे, खराब, राह, रास्ता, कचहरी, अदालत, फैसला, निर्णय। ओके, एक बार हम देख लेते शब्दों क्या, ठहरना, रुकना, खोजना, ढूंढना, महक, खुशबू या सुगंध, हक, अधिकार, धन काटा, तराजू, खोटे, खराब, राह, रास्ता, कचहरी, अदालत, फैसला, निर्णय। ओके, ये हमारे कठिन शब्द हो गए और शब्दार्थ हो गए। अब नेक्स्ट है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड होते हैं ना, वो हम करते हैं। ओके, ओके, अब इसके विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड जब बोलते हो ना आप लोग इंग्लिश में, तो विलोम शब्द करते हैं इसके। अब इसमें पहला क्या है, हल्का, भारी। हल्का का क्या होगा विलोम, भारी, पतला, मोटा। अब ऐसे हम उल्टा भी करेंगे तो इसका अलग अलग हो जाएगा। ओके, पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा, सफेद, काला, आगे, पीछे, टर्पो, निडर, सुगंध, दुर्गंध, मूर्ख, विद्वान। ये उसके उल्टे शब्द हो गए ना, विपरीत अर्थ वाले शब्द भी होते हैं और विलोम शब्द भी होते हैं इसके, है ना। एक बार हम देख लेंगे इनको, हल्का, भारी, पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा, सफेद, काला, आगे, पीछे, डरपो, निडर, सुगंध, दुर्गंध, यहाँ पे अनुस्वार और मूर्ख, विद्वान। ओके, ये इसके विलोम शब्द हो गए। अब आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या है। ओके बेटा, आदमी की हमने कर लिया, ये पार्ट वन था ना, मैंने अलग अलग पार्ट में भेजा था ना भाग में, आप लोगों को ये वीडियो जो बनाया था, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, है ना। तो ये भाग एक हमने कर लिया इसका। अब नेक्स्ट पार्ट टू में, भाग दो में देखते हैं क्या है। ओके बेटा, अब हमने भाग एक कराया था ना, मैंने तो अलग अलग वीडियो भेजा है, तो भाग एक, भाग दो उसके अकॉर्डिंग कराया। आपने तो एक साथ लिखा होगा CW.book में, तो आपने CW.book का वो खोल रखी है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या था, भाग दो में किसने किससे कहा, मतलब कौन किससे बोल रहा है, किसने किसको बोला, है ना। अब इसमें है नंबर वन पे, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, ये वाक्य किसने बोला था पार्ट में, तो ये किसने बोला था, सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली से, किसने बोला था, सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली से। ओके, अब नंबर दो है इसमें, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, तो ये किसने बोला था, ये काली बिल्ली ने सफ़ेद बिल्ली से। ओके, अब ये नंबर तीन पे देखते हैं, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, मतलब क्यों झगड़ रही हो, ये किसने बोला था, बंदर ने बिल्लियों से, बंदर जब आया था उसने तो बोला था वो दोनों झगड़ रही थी, तो किसने बोला था, बंदर ने बिल्लियों से। अब मैं है नंबर फोर, बोलो तुमको क्या कहना है, ये किसने बोला था, बंदर ने सफ़ेद बिल्ली से। अब एक बार और देखते हैं, किसने किससे कहा, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, तो किसने कहा था, सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली से। अब नेक्स्ट है
कहा था? बदर ने दोनों बिल्लियों से। फिर है नंबर 4, बोलो तुमको क्या कहना है। तो ये किसने कहा था? बंदर ने सफेद बिल्ली से। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें सही या गलत का निशान लगाइए। ओके, क्या मेरी आंखें नहीं है तू तो
इन दी ब्लैंक्स उधर। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है वेक्टर। ओके है, ये है व्याकरण पक्ष, मतलब ग्रामर जो होता है ना, आप लोग ग्रामर बोलते हो इंग्लिश में, तो हिंदी में बोलते हैं व्याकरण पक्ष, है ना, व्याकरण। तो अब इसमें सबसे पहले हम आज अभी क्या पढ़ेंगे, संज्ञा, है ना, तो संज्ञा सरना ये सब ग्रामर में होता है ना, तो हम आज पढ़ेंगे संज्ञा। अब इसमें है संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसकी मतलब इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसे कहते हैं संज्ञा, कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई भी नाम हो जैसे, और कोई स्थान हो, वस्तु हो, जगह हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें उदाहरण में जैसे दिया है मैंने आगरा, तो ये संज्ञा हो गया। असलम एक नाम है तो वो भी संज्ञा हो गया। ताजमहल ये मतलब बहुत बड़ी जगह है ना, तो वो भी एक संज्ञा हो गया। टेबल एक वस्तु है तो वो संज्ञा हो गई। महात्मा गांधी ये भी संज्ञा नाम है। कमल, दिल्ली आदि, ऐसे और भी कोई नाम होते हैं जैसे कुतुब मीनार हुआ, किसी का भी नाम हुआ, एक्स वाई जेड जैसे किसी का भी नाम हुआ, टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, पंखा हुआ, ये सब संज्ञा है ना। और जैसे ताजमहल और किसी शहर का नाम हुआ, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, मतलब कोई भी नाम हुआ शहर का और कोई बड़ा स्थान हुआ, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, जगह, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आज हमने पार्ट आठ में और थोड़ा व्याकरण पक्ष भी हमने पढ़ाया इसका संज्ञा का, तो आज हम पार्ट आठ का पुनरावृत्ति का अभ्यास हम कर चुके। ओके, तो आई होप आपको समझ में। ओके बेटा, तो अभी जैसे मैंने संज्ञा में बताया, तो हम किस तरह से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो अब इसमें संज्ञा क्या है, दिल्ली, तो एक नाम है तो वो शहर का नाम है, तो वो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो इस तरह से मैं पूछूंगी भाई आप इस तरह से संज्ञा शब्द छाटिए या इस पे सर्किल लगाइए, तो हम उस तरह से लिखेंगे। जैसे मीना कल बाजार गई या फातिमा कल बाजार गई, तो इसमें क्या है, फातिमा एक नाम है तो वो संज्ञा हो गई। और ताजमहल आगरा में, तो इसमें संज्ञा कौन कौन से हो गए, दो हो गए, आगरा भी हो गया और ताजमहल भी हो गया, क्योंकि आगरा एक शहर का नाम है और ताजमहल भी मतलब वो नाम में ही आ जाता है ना, तो वो ताजमहल हो गया, तो वो संज्ञा हो गई। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी तरह से मैं आपको पूछ सकती हूँ कि कोई वाक्य लिखूंगी उसमें से कि हमें संज्ञा शब्द छाट के लिखो या संज्ञा शब्द पर सर्किल लगाओ। तो इससे सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा जानना जरूरी है। ओके, तो आपने आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश में भी शायद बताया होगा ना, इंग्लिश में भी संज्ञा सरना सब सीखा होगा, तो इस तरह से ही हिंदी में संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई टेबल है कि टेबल पर किताब रखी है, तो इसमें संज्ञा क्या है, टेबल पर किताब भी हो जाएगी, है ना। इस तरह से बाग में कमल खिला है तो कमल संज्ञा हो गया, है ना। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो महात्मा गांधी पे हम सर्किल लगाएंगे, मतलब ये संज्ञा हो गया। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हम टम्प टू के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग भी लिख लिख के इसको इसका अभ्यास करना, अच्छे से याद करना, है ना, और अच्छे से लिख के याद करना है हमें, क्योंकि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि लिख लिख के याद करा करो, क्योंकि जिससे हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में भी, ईवीएस में भी, सब में आप लिख के याद करोगे ना, सारे सब्जेक्टों में भी, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक होगा वो भी प्रॉब्लम पता चल जाएगा, और मात्राओं का भी आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सी मात्रा कहाँ पे गलत करी है। ओके, और अच्छे से हमें लेना है और प्रेयर करना है कि जल्दी से हम स्कूल में आए। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।